सबसे पहले मैं नौ प्रदेश परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने आज के इस स्थापना दिवस समारोह में हमें बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए और आज बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे नव प्रदेश समाचार पत्र परिवार को कि वो बिलासपुर संस्करण का 10वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और आज इस अवसर में उन्होंने हमारे कई जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है और नौ प्रदेश का ये तीन प्रदेशों में इनका पेपर सर्कुलेट होता है और वास्तव में पत्रकारिता का काम बड़ा साहसिक भी होता है, दबे कुचले सब की आवाज़ को समाज के सामने, देश में, देश के सामने लाने का उनका प्रयास होता है और ये काम नौ प्रदेश समाचार पत्र बखूबी कर रहा है। बहुत शुभकामनाएं हैं, आगे भी इस तरह का काम वो करते रहें। और यहाँ पर मैं एक हमारे क्षेत्र के हैं जो पुरस्कृत हुए हैं, जगेश्वर यादव जी हमारे क्षेत्र के हैं, एक भीतघरा जैसे छोटे से गांव के रहने वाले और इनकी पढ़ाई लिखाई कल्याण आश्रम में हुई है, ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये हैं ओबीसी यादव समाज के, लेकिन इनको ऐसी प्रेरणा मिली कल्याण आश्रम से कि ये जो कोरवा और बिरहोर जो पीवीटी जी जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे लोगों की सेवा में इन्होंने अपनी पूरी मतलब जीवन समर्पित कर दिया है। आज ये चप्पल नहीं पहनते, हाफ पैंट में ही रहते हैं, साइकिल नहीं चलाते और पूरा घूम घूम कर जसपुर, रायगढ़, कोरबा, पाली, मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ भी कोरवा बिरहोर हैं सब इनके परिचित हैं, सब इनको मसीहा मानते हैं और जो भी सरकार की योजना होती है उनको एक एक घर तक पहुंचाने का काम ये हमारे जगेश्वर यादव जी करते हैं और इतना मानते हैं इनको कोरवा बिरहोर लोग कि पिछले समय जब पूरा देश कोरोना से पीड़ित था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैक्सीन लग रहा था और अपने देश के साथ साथ 100 देशों में भी यहाँ से वैक्सीन सप्लाई हुआ तो कोरवा और बिरहोर लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, प्रशासन बहुत प्रयास कर रहा था लेकिन वो वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे थे, तो किसी ने बता दिया कि इसका सस्ता उपाय है, आप जगेश्वर भाई को बुलवा लीजिए, वो बोल देंगे तो सब लगवा लेंगे और जिला प्रशासन इनको इनके घर से लाए और कोरवा बिरहोर के सामने इनको खड़ा किए और ये बोल दिए तो लाइन से सब वैक्सीन लगवा लिए। तो ऐसा सरल एक गांव का रहने वाला जिनको अभी देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पद्मश्री से नवाजा है, तो ऐसे लोग भी आज इस देश में हैं, तो ऐसे लोगों को भी पुरस्कृत करने का काम नौ प्रदेश ने किया है, ये बहुत उनका अच्छा काम है, सराहनीय काम है, आगे भी इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे। मैं फिर से इस 10वें स्थापना दिवस के अवसर में दैनिक नौ प्रदेश उनके समस्त परिजनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये समाचार पत्र उत्तरोत्तर
विकास करे और उनका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करते रहे। मैं पुनः आज का अवसर प्रदान करने के लिए नव प्रदेश परिवार का आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।